And he is a special child. Honestly speaking, his name is like. No, is I, 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 I was trying to convey something else. <laughs> okay, he's a special I, child. Let's have Marshall. No, it's not. Sometimes it's a very personal question. Yeah, uh, usne pucha kuch aur ekdom. नहीं तो क्या क्या है? इजान जो basically उसको disease is a metabolic condition hai uski. और वो कहलाता है एन जी एल वाई वन एनग्लाई वन पूरी दुनिया में सिर्फ ऐसे पचास बच्चे हैं Uh, अभी उसके जेनेटिक्स पे आ, अमेरिका में आ, जो सैन फ्रांसिस्को में एक यूनिवर्सिटी है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी वहाँ पर उसकी रिसर्च चल रही है और जैसी उसकी आ, मेडिसन आएगी फिर हम इज़ान को लेकर वहाँ ट्रैवल करेंगे ताकि वो उसको इंसर्ट कर सकें इंजेक्ट कर सकें बट वो क्या उसमें क्या होता सिम्टम्स और चीज़ें ऐसा मैं समझता हूँ कि अब तक जितना भी जिंदगी का वक्त गुजारा वो अपने लिए गुजारा कि मैं ये भी कर लूँ ये भी कर लूँ सारे काम कर लिए और किए भी ठीक है और फिर मैं इज़ान जब अल्लाह ताला ने मुझे दिया तो मैं अल्लाह ताला से कहता था कि मेरे से ऐसी क्या गलती हुई है जो मेरे पास स्पेशल चाइल्ड ही आया फिर जब हम कहते हैं ना वाई मी तो फिर उसका जवाब भी एक दफ़ा मुझे ऐसे फ़ील हुआ कि मैंने तुम्हें मतलब दुनिया की बहुत सारी आसाइशें भी तो दी हैं ना तब तो तुमने कभी नहीं कहा कि वाई मी तो आज तुम्हारे पर मुश्किल आई है और इज़ान के बाद जो है तब मुझे एहसास हुआ कि ये जो जो खुशी होती है और जो छोटी सी चीज़ें होती हैं ना जैसे मैं आपसे बात करूँ आंखों में पानी आ रहा है ठीक है आप आ, 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 बात करते हुए हाथ हिला सकते हैं मोटर स्किल्स कहते हैं इनको उस बच्चे में वो नहीं है ही कूड वॉक ही कू टॉक तो जेनेटिकली ही सेवन ईयर्स ओल्ड

Uh, मैं समझूंगा कि जिनके स्पेशल बच्चे हैं बेसिकली वो सुपरस्टार्स हैं वो माँ बाप अपने बच्चों को अपनी जिंदगियां दे देते हैं अगर आप आगा खान हॉस्पिटल में जाएं और आप देखें कि कैसी कैसी कंडीशनस में हैं बच्चे तो मेरा ख्याल है कि उनके लिए ये बात ज़रूर कहनी चाहिए कि आप बहुत ही ज़्यादा बहादुर हैं और अल्लाह ताला ने आपको चुना है इन बच्चों का ख्याल रखने के लिए आप जितना मैक्सिमम टाइम दे सकते हैं इट्स ब्रिलियंट दैट यू आर सच अ ग्रेट फादर के Uh, अगर uh, आपके बच्चे को आपकी जरूरत है और इतनी okay. ज़्यादा जरूरत है स्पेशली तो uh, ये तो बड़ी कमेंडेबल बात है और फिर ये जो बाकी ग्लैमर और ये चीज़ें होती है ये बहुत पीछे रह जाती हैं आपको लगता है कि आपका जो असल पर्पज़ है वो कुछ और है जिंदगी में चले ऑल द लक टू यू एंड योर फैमिली योर चाइल्ड हुड लाइक टू सेम वन डे इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे कमिंग टू यू मुझे ये बताओ यार जो सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव रहती हो और बड़ी फॉलोइंग है भाई क्या बात है यार क्या बात है और क्या है इसके पीछे कोई ख़ास राज है कोई ख़ास वर्क किया इसके लिए कुछ नहीं आ, मुझे जिस चीज़ में मज़ा आता है मैं सिर्फ वो करती हूँ मुझे नहीं पता कि लोगों को मुझसे क्या अच्छा लगता है उनको मुझसे देखना क्या अच्छा लगता है उनको तो सिर्फ मैं जुम्मे में अगर दुपट्टा लगा के तस्वीर लगा दूँ तो उस पर ज़्यादा लाइक्स मिलते हैं और मैं अगर यूँ पोज करके बैठूँ तो उस पर कम लाइक्स मिलते हैं ये है तो हाँ, तो इसलिए मुझे नहीं पता लोग मुझसे किस चीज़ से खुश होते हैं लेकिन ये कि जिससे मुझे खुशी मिलती है मैं वो करती हूँ फिर अब जैसे मैंने आजकल एक ट्रेंड बनाया हुआ है इंस्टाग्राम पे कि मैं जो भी पिक्चर फ़ोटो शूट करवाती हूँ उसकी मैं वीडियोग्राफी थोड़ी बनवाती हूँ अच्छा। अगर आपने देखा हो

आजकल oh, ये चल रहा है oh, नहीं, ओके, okay, okay. नहीं, नहीं। मैंने देखा निम्रा तुम्हारा बिल्कुल फॉलो किया था तुम तो नहीं नहीं because, ये किया, नहीं 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 यू नो कि मैं तुम्हें बहुत अरसे से जानता भी हूँ और हमारा वो बना नहीं कुछ ड्रामे में कोई बड़ा मेजरली काम नहीं, नहीं, नहीं बना लेकिन आपके साथ काम इन बाई नॉट यार वेरी सुन

इंस्टाग्राम खोलें तो आपको सिर्फ मेरी एक हैपनिंग वीडियोस है कुछ do. नहीं आई एम जस्ट सिंगिंग इन दैट वीडियो मैं सिर्फ गाना गा रही हूँ आई मीन लाइक मैं सिंग हाँ. uh, uh, I mean, like, uh, करती लाइक नो मैं uh, गाना चला के उसके पीछे लाइक नो प्ले करती oh, सिंक 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 यू मीन लिप लिप तो इस वजह से वो एक हैपनिंग वीडियो भी बन जाती है जो कोलैबोरेशन कपड़े होते हैं उनकी भी प्रमोशन हो जाती है तो वो मैं एक कलरफुल सा कुछ आज हम गाने चलाएंगे यहाँ पे जो निम्रा को हम देखेंगे इतना अच्छा लिप सिंक करती है ये क्या आर्ट है यार से तो नहीं इतना है, हाँ, गाना लगाएगा मैं इसमें करूंगी, ठीक है। है। अच्छा इतनी इतनी जिंदगी जिंदगी में में जो आर्टिस्ट होते हैं उनकी बहुत कुछ हो रहा यू 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 मच मच डू सो सो मीट मेनी पीपल इधर उधर दाएं बाएं हर जगह आपको लोग लड़की हूँ इसलिए कोई भी गैर मर्द या कोई भी गैर फैमिली मुझे या किसी भी औरत को आ, इस तरह नहीं लेगी कि वो मेरी बेटी भी हो सकती है या वो मेरी बहन भी हो सकती है या वो मेरी बीवी भी हो सकती है उस जगह पे जिस जगह से हम आर्टिस्ट गुजर जाते हैं हमें वो एक तरीके से सिर्फ एक आर्टिस्ट की ही नज़र से देखते हैं हमें ह्यूमन नहीं समझते अब जैसे मेरे साथ जो हादसे हुए मोस्टली लोगों को तो सब पता है जैसे एक्सीडेंट हुआ उसके बाद ही, वो लेकिन ये कि अभी जो कुछ टाइम पहले चीजें चली सोशल मीडिया पे ये वो मेरे फैंस ने बहुत मेरा साथ दिया वो अनएक्सपेक्टेड किस चीज की बात कर रही हो व्हेन यू करी लंडन जी जब मेरी, हुआ चली जब मेरी खुला, खुला चली हुई मैं पहले नहीं इस बारे में बात करती थी कहीं भी क्योंकि मुझे था कि जितनी ये ढकी ढुकी चीज़ें रहें उतना ही अच्छा है औरत हूँ ये वो चार लोग बात करेंगे लेकिन अब कुछ छुपा नहीं है अब कुछ सब कुछ सबके सामने और हम लोग का तो सब कुछ होता ही सबके सामने लेकिन अगर बस मैं लोगों को ये समझाना चाहूँगी कि हर चीज़ के दो रुख होते हैं हर चीज़ के दो रुख होते हैं अब मैं अगर आपसे अगर मैं छोटी सी मिसाल दूँ अगर मैं आपसे फ़ोन पर बात कर रही हूँ और मैं किसी समझे मैं जेल रोड से गुजर रही हूँ और वहाँ पर सिग्नल्स वीक होगा मेरा फोन कट गया और आप मुझसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहे थे और कॉल कट गई तो आप आप कहेंगे यार देखो उसने मेरी इतनी इंपॉर्टेंट तो बात की कॉल दी उसको समझ नहीं थी मैं इतनी इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूँ और मैं मैं क्या करती मतलब मेरे पास तो कुछ था ही नहीं वो नेटवर्क फिर यस तो हर चीज़ के दो रुख होते हैं अब जैसे एक वो रुख जो मैंने उस आदमी के साथ हैप्पीली पिक्चर लगाई एक वो रुख जो मैंने उस छः टाइम छः महीने का टाइम पीरियड गुजारा तो वो तो चीज़ें मैं सोशल मीडिया पे नहीं डाल सकती थी, थी ना कि देखो मेरे साथ आज के दिन क्या हुआ मेरे साथ डेढ़ महीने के बाद क्या हुआ या मेरे साथ उस छः महीने में क्या क्या हुआ मैं बस लाइक like, uh, मैं स्टोरी को कट करके मतलब मैं एक छोटी सी बात सिर्फ एक लड़कियों को कहूँगी एज अ मैसेज कि एक बुराई एक तशद्द भी आप तब तक बर्दाश्त करें जब जितनी आपके अंदर टेंडेंसी है उसके बाद अगर आपको लग रहा है कि ये बियॉन्ड जा रहा है अब आपसे रिजिस्ट नहीं हो रहा प्लीज़ मैं उन पेरेंट्स को भी रिक्वेस्ट करूँगी कि अपनी बैक अपनी औलादों को दें ताकि वो उस चीज़ से ना डरते हुए वो वो स्टेप उस, उठा सके जिस चीज़ से मैं गुजरी मैं नहीं चाहती कि और भी लड़के इस चीज़ से गुजरे क्योंकि जस्ट बिकॉज ऑफ माई पेरेंट्स मैं अपने अम्मी अबू की वजह से इतनी स्ट्रांग थी क्योंकि वो मेरे साथ खड़े थे हर कदम पे तो अगर किसी औरत के साथ ऐसा होता है जस्ट टेक अ डिसीजन राइट अवे राधन उसको प्रो करें उसको ड्रैक करें और फिर वो एक ऐसा नतीजा आए जो कि हर इंस्टाग्राम की नूर जैसी कहानियाँ या ऐसी चीज़ें हम लोग को सामने देखने को मिलती हैं कि उसका मर्डर हो गया उसका ये हो गया उसको गोली से मार दिया लिटरली ऐसे में बस इस पूरी बात में मैं बहुत ढकी ढुकी बात की है मैंने ज़्यादा खुल के बात नहीं की लेकिन मैंने बहुत क्रोशल टाइम देखा मैंने बहुत टफ टाइम देखा जिससे मैं निकली लेकिन मुझे पता है कि ये सब लोग मुझे सिर्फ हंसता ही एक्सेप्ट कर सकते हैं रोती शक्ल ज़्यादा देर नहीं चलती है और ना लोग एक्सेप्ट कर सकते हैं तो मैं सिर्फ इसलिए हंसती रहती हूँ ऑल द टाइम क्योंकि मुझे पता है कि लो, जितनी लोग जितनी लोगों को कमज़ोरियाँ दो लोग उतना उसका फायदा उठाते तो मैं सही। मुझे ऐसा लगता है कि रिलेशनशिप किसी भी एज में हो किसी भी टाइम पे हो जब दो लोग एक साथ होते हैं तो वो रिलेशनशिप म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड लव और तो उसी पे रहना चाहिए तो लगता है अब तो शादी की भी सीवी बननी चाहिए कि आपने पहले इतने रिलेशनशिप्स गुजारे हैं आपके इतने -up, हुए हैं आपने कोई बताएगा चाहिए वो तो उसमें छानबीन में लग जाते हैं ज्यादा के भाई पिछला क्या हुआ था अभी जो तुम मिल रही हो वो कैसी बनी बनाई मतलब अरे यार मत पूछो प्लीज इस चीज़ के बारे में वो जो गुजर गया।, गया वो गुजर, गुजर गया, गया